वास्तविक संख्याओं पर बात करेंगे। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के आधार पर परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं में किस प्रकार हम विभेद कर सकते हैं, उनको हम आज समझेंगे। पहला है परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप, यानी परिमेय संख्याओं को हम दशमलव रूप में अगर बदलते हैं तो वो किस प्रकार का होता है, ये आज जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले देखते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिभाषा है, वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 7/8, 1/3, 5/12, 5 इसके बटे में 1 लिख सकते हो आप, 25/1 लिख सकते हो। तो ये सब संख्याएं परिमेय संख्याएं। आइए इनमें से एक परिमेय संख्या लेते हैं, 7/8 का दशमलव रूप जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार आएगा। तो हम 8 से 7 को भाग करते हैं, 8 से 7 को नहीं कर सकते, दशमलव लगा के एक जीरो लगाएंगे। और इस प्रकार जब हम भाग करेंगे तो हम देखते हैं कि ये भाग पूर्ण हो गई, शेषफल 0 आ गया और इसका दशमलव रूप आया है 0.875। आप खुद करके भी देखेंगे, यानी 7/8 का दशमलव रूप है 0.875, जो कहलाता है शांत दशमलव प्रसार। शांत मतलब इसकी भाग पूर्ण हो गई है, आगे भाग इसमें नहीं हो रही है और शेषफल 0 आ चुका है। आइए दूसरे उदाहरण पर विचार करते हैं, 1/3 इसका दशमलव रूप देखते हैं। 3 से 1 को भाग करेंगे, दशमलव लगा के 0 लगाया, 3 * 3 = 9, फिर 1 बचा। और इस प्रकार जब आपने भाग की तो आप देख रहे हैं कि इसका दशमलव रूप आ रहा है 0.333, और ये 3 लगातार आता रहेगा क्योंकि दशमलव लगाया फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 * 3 = 9, फिर 1 शेषफल बचेगा, फिर दशमलव लगाया 0 लगाएंगे। और इस प्रकार जो आपके पास इसका दशमलव रूप आएगा उसमें दशमलव के आगे 3 लगातार आता रहेगा अनंत काल तक। तो इसको लिखने का एक तरीका होता है कि ये 3 कितनी बार लिखेंगे ये तो हमें भी नहीं पता कितनी बार आ रहा है, तो ऊपर हमने डॉट लगा दिया है या उसके ऊपर बार लगा देंगे, जैसे हमने आगे लगाया है आप देख रहे हैं, या तो इस पर डॉट लगाया या इस पर बार लगाया। ये दशमलव रूप कहलाता है अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं पर। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं समझते हैं पहले। अपरिमेय संख्याएं वे वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं होती, अर्थात परिमेय कौन सी थी, जिनको p बटा q के रूप में हम लिख सकते थे, यानी जो संख्याएं इस रूप में बटे के रूप में अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते वो संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। दूसरे तरीके से आप देखिए, जो संख्याएं p बटे q में q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, या जो संख्याएं परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं वर्गमूल 2, इसका दशमलव रूप है 1.14421513565। आप देख रहे हैं कहीं भी कोई संख्या का पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ऐसी पाई का मान आप देखिए 3.14159926, और ये आगे आता जाएगा, इसमें भी दशमलव के आगे किसी एक संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। आइए कुछ उदाहरण समझते हैं।